मध्य प्रदेश के उमरिया में नशे का सौदागर गिरफ्तार। दरअसल उमरिया थाने अंतर्गत ग्राम धनवाही निवासी आरोपी राम राजीवन तिवारी अपने घर से बड़े पैमाने पर गांजे का कारोबार करता था। तभी उमरिया पुलिस को मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन पर उमरिया पुलिस द्वारा छापेमारी कार्यवाही की गई, जिसमें मौके से आरोपी राम सजीवन तिवारी को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। सूचना मिली कि ग्राम धनवाही का राम सजीवन तिवारी पिता स्वर्गीय मकरंद तिवारी अपने घर में घर के परिसर में बैठे गांजे की पुड़िया बना रहा और बिक्री भी कर रहा है। इस सूचना को तत्काल गोदामचा में आयोजित करते हुए पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया और माल तत्काल खुर्द होने की संभावना पर तत्काल मैं स्टाफ के रवाना होकर ग्राम धनवाही पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई। तो आरोपी राम सजीवन तिवारी के मकान की पर्ची की छानी से एक पोलीथीन की पुटली में गांजा जैसा मादक पदार्थ मिला, जिसे समक्ष साक्षियों के पहचान पंचनामा तैयार किया गया। पहचान पंचनामा तैयार किया गया जो गांजा होना